हेलो एवरीवन, लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारे बीम के कर्वेचर हो सकते हैं जब उसके ऊपर हम एक बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करें। आज हम पढ़ने वाले हैं कि बेंडिंग मोमेंट जो है, बेंडिंग दो तरीके से हो सकती है। दो तरीके हमारे पास बेंडिंग हो सकती है। जब भी हमें एक्चुअली हमको करना क्या है, अगर आप किसी बीम के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से कोई बेंड, मान लो बेंडिंग मोमेंट आपने बीम के ऊपर अप्लाई किया है, तो इसकी वजह से बीम का एक बेंड शेप आपको दिखने वाला है, कुछ इस तरीके का बेंड शेप आपको दिखने वाला है। अब जब ये बेंडिंग हुई है तो इसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि इस बीम के अंदर कुछ स्ट्रेसेस जनरेट हुए। एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रेसेस से पहले स्ट्रेन जनरेट होता है और स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं। तो बॉडी के अंदर स्ट्रेन आ रहे होंगे और स्ट्रेसेस आ रहे होंगे, तो इनको हमें कैलकुलेट करना है। बट हमारे पास दो तरीके से बेंडिंग इंड्यूस हो सकती है, दो तरीके से बेंडिंग स्ट्रेसेस बेंडिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। एक वो बेंडिंग जिसमें आपकी जो बेंडिंग मूवमेंट है वो कांस्टेंट रहे अलोंग दी लेंथ। जैसे अगर आप इस केस का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाए, तो इस केस में जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा ये निगेटिव का है, तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके का आपके पास बनने वाला है। लेकिन ये कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट हो गया, मतलब बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट है इस केस में। तो इस तरीके का जो केस होता है जिसमें बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट रहता है अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, दैट इज नोन एज प्योर बेंडिंग। ठीक है, प्योर बेंडिंग का केस होता है ये वाला। अब दूसरा केस, एक और केस देखते हैं। सपोज हमारे पास एक बीम थी, कैंटिलीवर बीम ही है, और इसके फ्री एंड पे एक लोड लगा है पी। इसकी वजह से अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट देखोगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखोगे तो किस कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो कैसा है, बेंडिंग मोमेंट जो है आपका वेरी कर रहा है अलोंग द लेंथ। तो इस तरीके से जहां पर बेंडिंग मोमेंट वेरी करता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट वेरी करता है, उस वाले केस को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग, नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग। और जब प्योर बेंडिंग होती है जिसमें बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, अगर आप डीएम बाय डीएक्स करते हो तो शियर फोर्स के बराबर आता है। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो डीएम बाय डीएक्स इसके बराबर आने वाला है जीरो, यानी शियर फोर्स क्या होगा, जीरो। डीएम बाय डीएक्स इसके बराबर होता है, शियर फोर्स के बराबर ही तो होता है। और जिस केस में प्योर बेंडिंग हो रही होगी उस केस में अलोंग दी उस पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर, हमारी बीम की लेंथ के ऊपर, या फिर अलोंग दी लेंथ ऑफ द बीम, शियर फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। बट इन नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग देर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ शियर फोर्स। तुम यहां से देख सकते हो, इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस डायग्राम। यहां पर शियर फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग आपको देखने को मिल रही है। तो हम लोग पहले, हमारा जो सिलेबस है बीटेक का, इस वाले सिलेबस में हम लोग प्योर बेंडिंग पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग हमको नहीं पढ़नी है। इसको यूनिफॉर्म बेंडिंग भी आप बोल सकते हो, प्योर बेंडिंग या यूनिफॉर्म बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट इज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बीम। अब हम जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है बीम के अंदर इंड्यूस होने वाले नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस को हमने पढ़ना है, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेन, पहले स्ट्रेन पढ़ेंगे फिर स्ट्रेसेस पढ़ेंगे। स्ट्रेन अगर आपके पास आ गया तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई ई। स्ट्रेन आ गया तो सिग्मा आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे। जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी आपका बनाया जाता है, ये वाला जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है वो आप स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग ही बनाते हो, स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग बनाते हो। ठीक है, वो स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग ही बनता है, स्ट्रेन की वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आपको स्ट्रेसेस की वैल्यूज मिलती हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो पहले हम स्ट्रेन को कैलकुलेट कर लेते हैं। आप बीम बनाते हैं, बीम को देखते हैं किस तरीके से हम, सपोज मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरीके के कर्वेचर हो सकते हैं, एक कर्वेचर तो बीम का ऐसा हो सकता है, दूसरा कर्वेचर कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो ऐसा कर्वेचर अगर आपको बीम का बनाना है तो बीम में आपको बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरीके का अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का बीम में अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप ये वाला शेप देखोगे, ये वाला शेप देखोगे तो ऐसा शेप, ये हॉगिंग कहलाता है और ये सैगिंग कहलाता है। तो जब आपका बीम के अंदर हॉगिंग हो रहा होता है तो उसको हम लोग, उस समय जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसको हम निगेटिव कंसिडर करते हैं। तो हम यही वाला ऊपर वाला केस पढ़ने वाले हैं कि जहां पर बेंडिंग मोमेंट निगेटिव है और जो कर्वेचर है हमारा वो पॉजिटिव है। तो हम अपनी बीम को बना लेते हैं, ये हमारी बीम रही,
अच्छा, पहले इनिशियल शेप बना लेते हैं, फिर फाइनल शेप बनाएंगे इसकी, डोंट वरी। इनिशियल शेप जो है हमारी बीम की, वो कुछ ऐसी थी। थोड़ा आप इसको रेक्टेंगुलर मान लेना, ठीक है, रेक्टेंगुलर। इसका क्रॉस सेक्शन इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, ये कैसा भी हो सकता है, इस वाले डायरेक्शन में रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, बशर्ते मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बीम है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर बना दिया, ये स्क्वायर भी वो देख स्क्वायर लग रहा होगा आपको देखने में वो। तो ये बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन है, जो बीम है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी। ये वाई एक्सिस है आपकी, और ये ऊपर वाली ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, जो ये वाला डायरेक्शन है ये जेड है। तो अगर आप ये वाला फेस देखना चाहोगे तो आपको यही दिखेगा इस तरीके से। बीम जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, हमारा ये एजम्पशन हम चलते लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ये एज्यूम करके करते हुए जा रहे हैं। तो यहां पर मैं एक एक्सिस बना रहा हूं, इस एक्सिस के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या है, डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब देखो, अगर इस बीम में मैं इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करूं, ये रहा बेंडिंग मोमेंट, ऐसा बेंडिंग मोमेंट अगर लग रहा है, इसकी वजह से हमारी जो बीम है वो आपको कैसी दिखने वाली है, जब आप बीम का फाइनल शेप देखेंगे तो क्या होगा, बीम आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। जो लोगों को नींद आ रही है उनके लिए मुर्गे भी पीछे आवाज कर रहे हैं, उठ जाओ, ठीक है। ये बीम है आपकी, जो बीम का ये बेंड शेप आपको दिख रहा है। अब इसमें कुछ हमने क्या किया, बीम में हमें नॉर्मल स्ट्रेन फाइंड करना है। तो जब आप बीम को इस तरीके से बेंड करोगे, इनिशियली बीम स्ट्रेट है, बीम है आपकी स्ट्रेट, अब आप इसको बेंड कर रहे हो, बेंड कर रहे हो तो बेंडिंग में आपको दिख रहा है बीम की लेंथ में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, बीम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो चेंज इन डायमेंशन आप कैलकुलेट कर लो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो आपके पास स्ट्रेन आ जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रेन है वो कैसे आएंगे, चेंज इन डायमेंशन में आ रहे हैं, एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। यहां पर कैसा आ रहा है, डिफॉर्मेशन कैसा आ रहा है, लेंथ में चेंज आ रहा है, या लेंथ में चेंज बोल सकते हैं, किसी और डायमेंशन में चेंज आ रहा है, बट एंगल में डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको नॉर्मल स्ट्रेन हम लोग बोल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि सपोज हमारे पास यहां पर एक सेक्शन था, ये सेक्शन था एम एन पी एंड क्यू। तो हमारी कुछ एजम्पशन रहेंगे कि पहला, जो आपने सेक्शन यहां पर लिए हैं वो क्रॉस सेक्शन जो है उनका, क्रॉस सेक्शन विल रिमेन स्ट्रेट, क्रॉस सेक्शन विल रिमेन स्ट्रेट बिफोर एंड आफ्टर द लोडिंग, क्रॉस सेक्शन में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। यानी जो क्रॉस सेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, मान लो कि इनिशियली आपका आपका क्रॉस सेक्शन कैसा था, अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन इस समय अगर आप देखो, चलो ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पर ऐसे ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेंगी, हो सकता है बेंडिंग के बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाए, बट ये रहेंगी स्ट्रेट लाइन ही, स्ट्रेट लाइन ही रहेंगी, उनके बीच में कोई वार्पिंग नहीं होगी, वार्पिंग नहीं होने वाली है। अगर आप कभी इलास्टिक बैंड को ज्यादा खींच देते हो तो वो वार्प होने लगता है, वो थोड़ा वार्प होने लगता है, यहां पर वार्पिंग नहीं होगी, यानी जो आपका मटेरियल है वो कट नहीं होगा। कटिंग कहां पर होती है, हमेशा ध्यान रखना, जब मटेरियल के अंदर शियरिंग होगी, तो इस समय प्योर बेंडिंग के अंदर मटेरियल के अंदर शियर फोर्सेस की एब्सेंस है, तो यहां पर वार्पिंग नहीं होने वाली है, क्रॉस सेक्शन विल रिमेन स्ट्रेट, ये हमारा एजम्पशन है। और प्योर बेंडिंग में ऐसा ही होने वाला है, आप चाहे इसको ज्योमेट्रिकली भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, बट हमको वो प्रूफ नहीं करना है, हमको यहाँ पर स्टडी ये करनी है कि हम अपना नॉर्मल स्ट्रेन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो, फाइनल शेप जब कुछ इस तरीके का होगा, इसका आपको जो डायग्राम है
वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा सा ये इंक्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स है आपको दिख रहा है, ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े से स्ट्रेच हो चुके हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल थोड़े स्ट्रेच हुए हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल थोड़े से कंप्रेस हुए हैं, ये आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। और आपके पास या फिर कोई पेन भी होता है जो यूज एंड थ्रो वाला पेन है, उसको अगर आप ऐसे करके देखोगे भी, तो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो टेंशन में आते हैं और नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े से कंप्रेशन में आते हैं, उनकी जो लेंथ है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है जो नीचे वाले मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये वाली जो हमने यहाँ पर एक्सिस बनाई थी, इस वाली एक्सिस को हम यहाँ पर भी बना देते हैं। और बहुत ध्यान से समझना, ये कभी अगर अच्छा न्यूमेरिकल पूछा जाए तो वहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये वो डॉटेड लाइन है जो मैंने ऊपर बनाई थी, यहाँ पर थोड़ा अलग पैटर्न हो गया बट लाइन दोनों सेम है। तो अब जो आपके सेक्शन है एम और एन, पी और क्यू, वो कुछ इस तरीके से हो गए। तो इनिशियली ये जो आपने बीच में यहां पर ये जो आपका एम है, ये जो इन दोनों सेक्शन के बीच की जो लेंथ थी उसको अगर आप डीएक्स बोलो, अब देखो इनिशियली तो डीएक्स थी, बट ऊपर वाला अगर आपको देखो, ऊपर वाले जो फाइबर्स हैं उनकी लेंथ इंक्रीज हो चुकी है और जो नीचे वाले फाइबर्स हैं उनकी लेंथ हो चुकी है डिक्रीज, उनकी लेंथ हो चुकी है डिक्रीज। अगर हमारे पास इनिशियल लेंथ तो है डीएक्स, इनिशियल लेंथ है डीएक्स, अगर हमको डिक्रीज लेंथ मिल जाए, अगर हम जो डिक्रीज वाली लेंथ है वो मिल जाए, मतलब फाइनल लेंथ जो है हम वो कैलकुलेट कर लें, तो हम चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं और वहां से हम नॉर्मल स्ट्रेन फाइंड कर लेंगे, तो एक्चुअली होता क्या है, ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टेंशन में है, आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल टेंशन में है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स कंप्रेशन में है, यानी जब आप टेंशन में थे, टेंशन से नीचे की तरफ को आए, पहले जो स्ट्रेसेस होंगे वो जीरो होंगे, पहले टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे, या फिर जो चेंज इन लेंथ है वो पहले पॉजिटिव है और निगेटिव हो रही है, यानी बीच में कहीं पर वो जीरो भी हो रहा होगा, जो चेंज इन लेंथ है जो लेंथ है, लेंथ में चेंज है वो जीरो भी हो रहा होगा, पहले इंक्रीज है, पॉजिटिव चेंज इन लेंथ है, फिर नीचे नीचे जैसे आप आ रहे हो डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद वो निगेटिव जा रहा है, यानी बीच में कोई ऐसी भी पॉइंट आएगा जहां पर जो चेंज इन लेंथ है वो जीरो होगा, यानी जो इनिशियल लेंथ होगी वो वही हमारी यहाँ पर कोई बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जो जिसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आया होगा, तो वो एक्सिस या वो सरफेस जहां पर फाइबर्स की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, उस सरफेस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सरफेस, और उस सरफेस को रिप्रेजेंट किया है मैंने ये डॉटेड लाइन से। ये वाली जो सरफेस है, अगर आप इसको पीछे की तरफ को एक्सटेंड करोगे, तो आपको एक सरफेस दिखेगी। अगर आप एक 3D डायग्राम बनाना चाहते हो, अगर आपने 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाया, तो अगर आप इसे पीछे की तरफ को एक्सटेंड करोगे तो ये आपको एक सरफेस ही दिखने वाली है, ये सरफेस ही दिखेगी आपको एक। तो ये वाली सरफेस को हम बोलते हैं नॉर्मल न्यूट्रल सरफेस, ये जो सरफेस आपको दिख रही है जहां पर चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो, जिस सरफेस पर डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो होगा वहां पर, उस सरफेस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सरफेस, उस सरफेस को बोला जाता है न्यूट्रल सरफेस। और जहां पर ये सरफेस, देखो ये सरफेस तो पीछे की तरफ है, लेकिन अगर आप इसका जेड फेस भी देखना चाहो, तो जेड वाले फेस पर आपको एक एक्सिस दिख रही है, ये वाली एक्सिस दिख रही है, इस वाली एक्सिस को जहां पर फाइबर्स की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, उस सरफेस को बोलते हैं हम, उस एक्सिस को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं, न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल सरफेस क्या है। सरफेस अगर आप इसको पीछे को एक्सटेंड करोगे तो आपको एक सरफेस दिखेगी, और ये सरफेस जहां पर जेड वाले फेस के साथ इंटरसेक्ट करेगी वो वहां पर एक एक्सिस बनाएगी, इसको हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है।